कहाँ है? मैं पूछती हूँ कहाँ से आया है? भाभी वो अजय। अच्छा, तो अब नौबत तोहफों के लेन देन तक पहुँची है? नहीं भाभी। कब से चल रहा है ये चक्कर? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। झूठ बोलती है कलमुही, बहुत उबाल आ रहा है ना तेरी जवानी में, तो भूल जाके तू क्या है और तोड़ दे धर्म और समाज के कानून। बेहया निर्लज्ज कहीं की, शर्म नहीं आई तुझे? जा अभी के अभी तो उसके मुंह पे मार। क्या इजाजत देता है, क्योंकि जज्बात के सैलाब में बहते वक्त मैं ये भूल गई थी। कि मैं एक विधवा हूं। ये दुख तो मेरा मुखद्दर बन चुका है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मुखद्दर बदल भी सकता है। लाशों के मुखद्दर नहीं बदला करते अजय बाबू। तुम लाश नहीं हो सुधा, एक जीती जागती लड़की हो जिसके सीने में दिल भी है, जज्बात भी और अरमान भी। हाँ, और एक जिस्म भी है जिसके साथ तू खिलवाड़ करना चाहता है। आंखें किसे दिखा रहा है? किसे दिखा रहा है ये बड़ी बड़ी आंखें? आओ बस्ती वालों देखो, एक विधवा की अपने आशिक के साथ रचाई रासलीला देखो। क्यों मेरा तमाशा बना रही हो भाभी? तमाशा तो तू बना रही है कलमुही। अरे शर्म के गहने तो तूने बहुत पहले उतार दिए थे, इस शरीर पे जो दो चार कपड़े बचे हैं ना इन्हें भी उतार दे, ताकि ये तेरी जवानी की ज्वाला को शांत कर सके। ये कैसा बात करता है मैं तुम, और ये किसका इज्जत उतारता है? ये तुम्हारा ननंद है, बेटी का माफी। अरे बेटी होती ना तो कब का गला घोट देती जन्म चली का। गॉड का वास्ते चुप हो जाओ तुम। अरे क्यों चुप हो जाऊं, मैं तो छाती ठोक कर कहूंगी ये सब तुम्हारा किया धरा है मिस्टर डेविड। और रखो गुंडे मवाली को अपने घर में, जो दूसरों की बहू बेटियों को बदकार बनाए। अरे तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो ना मियाँ है ना बेटा ना बेटी, तुम्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे से। धंधा है ये तुम्हारा धंधा। क्या बोला तुम? हम एक पेइंग गेस्ट का रख लिया, तुम उसको हमारा धंधा बोलता है? हाँ, और नहीं तो क्या? अच्छा तो थैंक्स बोल।
बोलो, बोलो थैंक्स हमारे इस धंधा को। हाँ। थैंक्स बोलो हमारा इस पेइंग गेस्ट को जिसने तुम्हारा छोकरी का इज्जत बचाया, वरना आज किधर में मुंह दिखाने का लायक नहीं होता था। उस भेड़िए के मुंह से बचाया हमारा पेइंग गेस्ट ने। हाँ, भेड़िए के मुंह से बचाया और अब खुद मुंह मार रहा है इस पे। ये सब सुनने से पहले मर के रहेगी। पागल हो गई हो तुम, आत्महत्या करना पुस्तली है और मैं दुनिया वालों को तुम्हें कायर कहने का मौका नहीं दूंगा। मैं पूछता हूं कौन सा पाप कौन सा गुनाह किया है इसने, किस जुर्म की सजा दी जा रही है इसे? क्या एक विधवा को दोबारा जिंदगी बसाने का हक नहीं? क्या उसे भी हंस खेल कर जीने का हक नहीं? अगर ये समाज इसे इस बात की इजाजत नहीं देता तो ठोकर मारता हूं मैं इसे समाज को। आज मैं सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर इसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान करता हूं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी आइए और हमारी इज्जत को लुटने से बचाइए। एसीपी साहब देखिए वो कमीना क्या गजब ढा रहा है, एक विधवा की मांग में सिंदूर भर रहा है। रुक जाओ अजय, मैं कहता हूं रुक जाओ। तुम जबरदस्ती इस विधवा की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। एसीपी साहब, या तो ये सिंदूर सुधा की मांग भरेगा या फिर मेरा हाथ कटकर जमीन पर गिरेगा। देखो अजय, मुझे मजबूर मत करो, फेंक दो इस सिंदूर को। आप अपने फर्ज से मजबूर हैं और मैं अपने वचन से। मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, आज तुमने यकीन दिला दिया कि तुम्हारे हाथ दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं बल्कि किसी की जिंदगी संवारने के लिए पड़े हैं। ये लोग क्या जाने कि एक विधवा को जीने का अधिकार देना कितना बड़ा पुण्य है। भाभी तो मां समान होती है और तुम ये फर्ज नहीं निभा सके, लेकिन मैं इनका पिता बनकर इन दोनों को आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद अगर किसी ने इन दोनों पर आंख उठाने की जरूरत की तो वो शिवचरण का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्या है सर? कमिश्नर साहब ने आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल भेजी। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा, तुम जाओ, सदा सुखी रहो। सर थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
अरे चाई रे चाई तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाओ राय के तेल जैसा चाई रे चाई ओ चाई चाई रे चाई ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सब्जी मैं अजय का दोस्त टॉनी अजय कहाँ है वो उड़न छू गया अभी आपके हाथ आने वाला नहीं है वो गया क्या मतलब वो तो मौके की तलाश में था 1 2 का 4 सीधा सीधा बोल कहाँ है अजय हम बताता है ना साहब जैसे तुम उनका बाप बनकर उनका शादी बनाया उनको ब्लेसिंग दिया वैसे हम उनका माँ बनकर उनको हनीमून पे भेज दिया अरे ओके आई एम नॉट ईटिंग नाउ लो आई डोंट लो आई डोंट वांट लो बाबा ले मुन्ना ले बेटा संभल के बैठना हम लोग आ रहे हैं बाय कौन कौन वो गाड़ी में देखो ना वो बच्चा इसकी तो ए छुटके मेरी बीवी पे लाइन मारता है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था अंकल आंटी बहुत अच्छी है आइसक्रीम की तरह रहा। साले आइसक्रीम खाएगा आइसक्रीम खाने के लिए तो तारीफ कर रहा था बदमाश रुक लाता हूँ साला दौड़ती बच्चा आइसक्रीम लेकर अपना भी ऐसा होगा क्या शर्माती क्या है Ah!
बच्चा। भैया आपने मेरी गोद उछलने से बचा ली, आप तो मेरे लिए बहुत एहसान है तुम्हारा भैया। ठीक कहते हो बेटा, वरना दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी कौन लगाता है। अरे तुम बहुत खुश नसीब हो बेटी, जो तुम्हें इंसान के रूप में देवता मिला। क्या बहादुर लड़का है, जान पे खेल के बचाया उन बच्चों को। भगवान हर माँ को ऐसा बेटा दे। देखो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इसने बच्चों की जान बचाई है। जुग जुग जियो बेटा।